सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हिंदी की नई कक्षा में। तो तैयार हैं सारे बच्चे? अपनी हिंदी पुस्तक अक्षरों के आगे हिंदी कोर्स बुक 1 खोलिए। पेज नंबर 36। तो शुरू करते हैं हम लोग डेट डालने से। आज डालेंगे दिनांक, ठीक है? शुरू करते हैं। आज दिनांक कितनी है? 30 जुलाई। जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां। तो हम लिखेंगे 30720। 30 जुलाई 2020। सबको पता चला आज कितनी डेट है? 30 जुलाई 2020। आज हम पढ़ेंगे स्वर उ, उ की मात्रा वाले शब्द। स्वर उ ऐसा दिखता है और इसकी मात्रा हमेशा बाईं ओर को लगती है। ये नीली 3 लाइनों के नीचे की जो लाइन होती है उसमें नीचे की तरफ बाईं ओर को मुड़ी हुई मात्रा उ की मात्रा होती है, ठीक है? प श शा में उ की मात्रा शु, पशु। पशु मीन्स जानवर। सारे जानवरों को हम क्या कहते हैं? पशु। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये कौन है? गिनी, गिनी द बैग। हेलो गिनी। तो हम पढ़ते हैं, गिनी क्या कह रहा है? पढ़ो और समझो। क उ की मात्रा कु, ख उ की मात्रा खु, ग उ गु, घ उ घु, अं गु, च उ चु, छ उ छु, ज उ जु, झ उ झु, ट उ टु, ठ उ ठु, ड उ डु, ढ उ ढु, ळ उ ळु, त उ तु, थ उ थु, द उ दु, घ उ धु, न उ नु, प उ पु, फ उ फु, ब उ बु, घ उ भु, म उ मु, य उ यु, र उ रु, ल उ लु, व उ वु, श उ शु, श उ शु, स उ सु, ह उ हु, क्ष उ क्षु, त्र उ त्रु, ज्ञ उ ज्ञु, श्र उ श्रु, अं पैनी। हेलो पैनी। उ पैनी क्या कह रही है? उ की मात्रा वाले शब्द। तो हम आज उ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ध उ धु, न धुन। ग उ गु, ल आ ला, व गुलाब। ध न उ नु, श धनुष। प उ पु, ल पुल। य उ यु, व त ई की मात्रा ती, युवती। क उ कु, र त आता, कुर्ता। द उ दु, म दुम। च उ चु, प चुप। ग उ गु, ल गुल। ख उ खु, ल खुल। च उ चु, न चुन। स उ सु, न सुन। क उ कु, ल कुल। म उ मु, ख मुख। द उ दु, ख दुख। स उ सु, ई सुई। थोड़ा सा और अब लिखने का अभ्यास कर लेते हैं। उ, उ से उपहार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपहार का उ, उपहार। यहाँ पे गिनी द बैग क्या कह रहा है? उ स्वर लिखें। यहाँ पर आपको उ स्वर लिखना है। आप छोटा या बड़ा, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं।
लिखना है आपको। अब ये कौन है? आपका स्पेशल फ्रेंड पेनी द पेंसिल। पेनी द पेंसिल क्या कह रही है? अक्षर चक्र की सहायता से कोई दो शब्द बनाकर दो दो बार लिखें। आपको इस अक्षर चक्र की सहायता से दो शब्द बनाने हैं और उनको दो दो बार लिखना है। तो ये क्या लिखा है? ध उ धू न धुन। हम नया शब्द बनाते हैं, स उ सु न सुन। यहाँ पे लिखिए, लिखते समय ध्यान दें कि प्रॉपर लाइंस में ही लिखें और मात्रा हमेशा ये नीली लाइन के नीचे लिखनी है आपको, ऐसे बनानी है। न सुन कितने बार लिखना है आपको? दो बार। तो एक बार और लिख लेते हैं, स उ की मात्रा न सुन। अब नया शब्द, च उ की मात्रा चु न चुन। च उ की मात्रा न चुन। एक बार फिर से लिखते हैं, च उ की मात्रा न चुन। ये क्या लिखा है? ध उ की मात्रा धु ल धुल। हम नया शब्द बनाएंगे, प उ की मात्रा पु ल पुल। यहाँ पर लिखिए, प उ की मात्रा पु ल। ये मात्रा बाईं ओर लगेगी, लेफ्ट साइड में। एक बार फिर से लिखते हैं, प उ की मात्रा ल पुल। नया शब्द बनाइए, ख उ की मात्रा खु ल खुल। ख उ की मात्रा खु ल खुल। ख बनाने समय आपको सावधानी से बनाना होगा क्योंकि ख बनाना थोड़ा सा टफ होता है। फिर से एक बार लिखिए, ख उ की मात्रा खु ल खुल। अब ये कौन है? स्क्रिबली द क्रेयॉन। स्क्रिबली क्या कह रहा है? उ स्वर की मात्रा के शब्दों के चित्र पहचान कर रंग भरें। चलिए हम लोग सबसे पहले चित्रों को पहचानते हैं। ये किस चीज का चित्र है? ये तो आपको पता है, ये आपने पहले भी किया है ना, जानते हैं ना। च र ख ई की मात्रा, चरखी। क्या इसमें उ की मात्रा आई है? नहीं आई है, तो इसमें हम रंग नहीं भरेंगे। ये क्या है? ये तो बालक है। बालक में आ की मात्रा आती है, तो हम इसमें भी रंग नहीं भरेंगे। ये क्या है? धनुष। ध न, न में उ की मात्रा, श धनुष। धनुष में उ की मात्रा आई है ना, तो हम इसमें रंग भरेंगे। तो ये है स्क्रिबली। हेलो स्क्रिबली। स्क्रिबली हमारी सहायता करेगा रंग भरने में, है ना। तो ये धनुष में आपको रंग भर देना है। तो सारे बच्चों को समझ में आया उ की मात्रा से कैसे हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे? अब आपको खुद से और ज्यादा अभ्यास करना है ताकि आप उ की मात्रा को पहचान सकें और उ की मात्रा वाले शब्दों को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।